बरह सुल्तान कलोनी से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के नायब सदर और उम्मीदवार MPA मार अब्दुल हुसैन की जानब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से मुशावरत की गई। अली शेर रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ के इलाका सुल्तान कलोनी में हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की, जिसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के नायब सदर उम्मीदवार MPA PP 268 माहर अब्दुल हुसैन तरगड़ ने की। इनके हमराह मियाँ अमीर नवाज खुदाई ने भी शिरकत की। अवाम की तरफ से माहर अब्दुल हुसैन तरगड़ का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर माहर अब्दुल हुसैन तरगड़ का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ पोछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ रियासी गुंडागर्दी कर रही है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का वाहिद नज़रिया है जो हकीकी आज़ादी चाहता है। ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं और माहर अब्दुल हुसैन तरगड़ की तरफ से आवाम को हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हर वक्त तैयार रहने की तलकीन भी की गई। कैमरामैन टीम के हमरा अली शेर बलोच, अब तक न्यूज़, रंगपुर।